वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देखते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि आप जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसमें आप मोमेंटम जो है उसको किस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब क्योंकि मोमेंटम, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट्स पढ़ा था जिसमें हमने उसे पी से डिनोट किया था और उसका जो फॉर्मूला है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो एम इंटू वी है, यानी कि मोमेंटम जो है वो आप जानते हैं। जैसा कि मोशन इन मास के बारे में जो है वो मोमेंटम को हम मतलब कि मोमेंटम हम उस तरह से डिफाइन करते हैं, और जो न्यूटन सेकेंड लॉ स्टूडेंट हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि हम इन दोनों जो है रिलेशंस को हम किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इसको इसके लिए हम एक केस कंसिडर करेंगे जिसमें मैं एक कार ले लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कार है जो कि जिसका मेरे पास कुछ मास है और मास एम, जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि इसका मास जो है वो हमारे पास m है और ये एक जो है रोड पे हम इसे मूव कर रही है। ठीक है, अब ये अपनी जो मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हम कहते हैं कि हमारे पास वी आई इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैंने इसके ऊपर इसको पुल या पुश करने के लिए, आप जैसे जानते हैं कि हमें कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो फोर्स जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो ये अपनी पोजिशन चेंज करेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये क्योंकि जब इस पॉइंट पे पहुंची है स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास क्या आई है, वी एफ आई है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वी एफ होगी। ठीक, और इसने जो टाइम मतलब कि जितना टाइम इसने लिया वो टी टाइम जो है उसमें उसने ये वाला डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ए से बी तक जो है वो उसने कवर किया, यानी कि अगर मैं कहती हूँ ये पॉइंट बी है ये पॉइंट ए है, तो ए से बी तक का जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टी टाइम में जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब अगर स्टूडेंट्स जैसे कि हम जान देखा है जैसे आपने कि जब अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया है, यानी कि पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बजाय वो मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, वी आई पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से इस कार में जो है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेशन जो है अगर हम कैलकुलेट करें इस केस में तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइडेड बाय टी, यानी कि एक्सेलरेशन जो इस कार में प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन आके। और अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें जिस तरह से मैंने ऊपर भी लिखा है एफ इज इक्वल्स टू एम ए है, और अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो ए इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ वन और टू को अगर हम कंपेयर करें, और हम इन दो इक्वेशंस को क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है और ये भी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है जो कि हमें ये बताती है कि अगर मैं फोर्स एफ जो है वो इस कार पे अप्लाई करूं तो वो हमारे पास क्या होगा कि उसका वो डायरेक्ट रिलेटेड होगी इसके मास से, कि आपके पास कितनी मास की कार है और उसमें कितनी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये फोर्स जो है ये इस तरह से हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से उसका रिलेशन निकाला, और अगर हम ए दोनों साइडों पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को एक वेट कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है वो ये बनती है कि वी आई माइनस वी एफ, वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये इक्वेशंस को दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू, यानी कि ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास इधर आ जाएगा एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इस ब्रैकेट को जो है वो मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस ये जो हमने रिलेशन निकाल लिया, यानी कि ये सिंपल जो हमारे पास एक रिलेशन है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स कि ये टर्म जो है हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम वी एफ की जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये हमारे पास एक्सप्लेन कर रही है फाइनल मोमेंटम को। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रही है इस वजह से मैंने फाइनल मोमेंटम का नाम दिया है इसको, और ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम।
ठीक है। अच्छा, अब अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारे पास है क्या, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। कि ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कार जो है, जब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI वेलोसिटी थी, तो वो मोशन में थी, ठीक है, मोशन एग्जीक्यूट कर रही थी, और उसके पास कोई मास भी है। जब कोई बॉडी मास, जिसका कोई मास हो और वो मोशन में हो, तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, मास इन मोशन है, तो उसके साथ हम एक फिजिकल क्वांटिटी रिलेट करते हैं जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो जब आपके पास वो इनिशियल पोजिशन ए पोजिशन पे है, तो उसके पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो MVI होगा, और जब वो फाइनल पॉइंट पहुंचेगी तो उसके पास जो फाइनल मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स, वो MVF होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए, यानी कि अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ दोबारा लिखती हूँ स्टूडेंट्स, कि F इंटू टी जो है वो हमारे पास क्या आता है, MVF माइनस MVI, ठीक है। और इससे मैं जो है थोड़ा सा, अगर इसको इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इस तरह से लिखूं कि मेरे पास MVF जो है वो मेरे पास PF मैंने लिया, यानी कि P जो है मोमेंटम को शो कर रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम PI, और अगर F इज इक्वल्स टू, यानी कि T को मैं अगर डिवाइड कर दूं दूसरी साइड पे जाके, तो मेरे पास क्या बनता है, PF माइनस PI होल डिवाइड बाई T, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, कि ये हमारे पास बता रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, F के बराबर आता है, यानी कि फोर्स के बराबर आ रहा है। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक नई फॉर्म आई है, जो कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से भी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को, ये वाला जो मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है, इसको मैं इस तरह से लिखूं कि मेरे पास F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI होल डिवाइडेड बाई T लिख दूं, तो मेरे पास ये क्या है, MVF डिवाइडेड बाई माइनस MVI जो है, यानी कि M अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T जो है वहां पर एक्सेलरेशन बन जाएगा। यानी कि अगेन मेरे पास जो है वो क्या आ गया, ए यानी कि V चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास यानी कि F, यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर देती हूँ, ये मेरे पास जो है वो डेल्टा की टर्म आ गई है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ जो है एक्सप्रेशन में, यहाँ डेल्टा यानी कि चेंज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो मेरे पास F इंटू ए यानी कि डेल्टा V डिवाइड बाई T जो है हमारे पास जो है वो ए के बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अगेन मेरे पास F इज इक्वल टू MA आ गया। तो ये F इज इक्वल टू MA को हम जो है, जो नई इसकी फॉर्म हमने दी है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम के लिहाज से मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। जो फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कार है उसमें एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, एक मतलब कि उसकी जो उसकी स्पीड में या फिर उसकी वेलोसिटी में जो एक चेंज आएगा, जिसे हम मोमेंटम कह रहे हैं मास के लिहाज से, तो वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसी की एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम स्टूडेंट्स, के हमारे पास जो है कि अगर मेरे पास एक रॉकेट है, जिस तरह से अगर मैं एक रॉकेट बनाती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रॉकेट है जो कि जिसके आप देखते हैं कि नीचे जो है एक इंजन लगा होता है, जिसकी वजह से उसमें जो फ्यूल होता है वो बर्न होके नीचे की तरफ जो है वो उसका जो है वो नीचे की तरफ गिरता है, और एज अ रिजल्ट जो है रिएक्शन जो होता है उसका, उसकी वजह से जो रॉकेट है वो अपवर्ड मोशन में जो है वो फ्लाई करता है, ठीक है। अब ये जो इसकी जो मतलब कि इसकी जब आप इसमें से फ्यूल जो है, यानी कि जब रॉकेट में से फ्यूल जो है वो निकल जाता है, तो ओवरऑल जो रॉकेट का मास होता है उसमें क्या आ जाता है, एक डिक्रीज आता है। जब मास में डिक्रीज आता है, तो उसकी वजह से रॉकेट में एक जो है वो एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है, क्योंकि मास इन मोशन की जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो थ्रस्ट उसकी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है, और वो बहुत तेजी के साथ जो है वो अपनी जो है मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन, जो कि हमने देखा है कि हम किस तरह से जो हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ को हम F इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, लेकिन अब हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि F जो है हमारे फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स वो डीपी डिवाइडेड बाय टी के भी बराबर आ जाती है। यहाँ डी और डीपी डिवाइड बाय डीटी जो है वो चेंज को शो कर रहा है, यानी कि आप इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, आप इसको जो है चेंज भी कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के भी बराबर होती है, ठीक है। और ये हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन है जो कि मोमेंटम को रिलेट करती है विद द न्यूटन सेकेंड लॉ।